हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लू स्टैक्स के बारे में। ब्लू स्टैक एक एमुलेटर है जिसके अंदर आप BGMI गेम खेल सकते हो। तो जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि यार आप ब्लू स्टैक डाउनलोड कर लिए और उसके अंदर BGMI कैसे खेल रहे हो। जब हम डाउनलोड करते हैं, हम खेलते हैं तो उसके अंदर सर्वर ट्राई अगेन बताता है या फिर गेम के अंदर हम नहीं जा पाते और बहुत ज़्यादा लैग होता है, हमें 90 FPS नहीं मिल रहा, आपको 90 FPS कैसे कैसे मिल रहा है। तो उस चीज़ों का सब चीज़ों का सलूशन मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड स्टेप टू स्टेप फॉलो करना। अगर आप स्टेप टू स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो बीच में कुछ ना कुछ भूल जाओगे, फिर आप लोग है ना मेरे को पूछोगे कि मेरा मैंने तो डाउनलोड कर लिया, आपका स्टेप टू स्टेप फॉलो करके तब भी नहीं हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड स्टेप टू स्टेप देखना एंड लेट्स गो। तो फर्स्ट चीज आपको क्या करना है, फर्स्ट चीज आपको ब्लू स्टैक की वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ब्लू स्टैक की वेबसाइट पे आके ये ब्लू स्टैक 10 डाउनलोड नहीं करना है। ब्लू स्टैक 10 में आपका BGMI नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, ब्लू स्टैक 5 डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप सी ऑल वर्जन दिखाई दे रहा है, सी ऑल वर्जन पे क्लिक करना है। फिर वहां पर आके है ना आपको अपने PC में चेक करना है कि आपका PC 32 बिट है या 64 बिट है। अगर आपका PC 32 बिट है तो यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, अगर 64 बिट है तो यहाँ पर डाउनलोड करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि पहले से मेरे PC में इंस्टॉल है एंड मैंने अपना ब्लू स्टैक है ना सी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है, ना कि डी ड्राइव और किसी चीज के अंदर, क्योंकि सी ड्राइव मेरी SSD है तो मैंने SSD के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप भी SSD के अंदर इंस्टॉल कर दे तो मैं ज्यादा बोलूंगा फायदा देती है। फिर ब्लू स्टैक ऑन कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप ब्लू स्टैक इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद है ना आपके पास BGMI नहीं रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, बस आप ये 3 ऐप रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम ऐप्स देख रहे हैं आप, सिस्टम ऐप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर फिर आपसे लॉगिन मांगेगा, उसको आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद है ना आप BGMI लिखेंगे तो यहाँ पर आपका BGMI आ जाएगा। BGMI आने के बाद यहाँ पर आप है ना इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपका BGMI यहाँ पर चलने लग जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि आपको बस 60 FPS देगा, 90 FPS नहीं देगा BGMI। तो 90 FPS लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये GFX टूल भी डाउनलोड करना पड़ेगा। GFX टूल डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पर लिखना है GFX टूल, ठीक है। GFX टूल लिखने के बाद आपको सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही GFX टूल मिल जाएगा, ओके। इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो BGMI एक बार तो स्टार्टिंग में ओपन कर लेना, GFX टूल डाउनलोड करने से पहले एक बार स्टार्टिंग में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ना जो आपको लॉगिन है, फिर अंदर जो रिसोर्सेस है वो सब आप डाउनलोड कर लेना, ओके। फिर बाहर आ जाना एग्जिट करके। जब आप एग्जिट कर दोगे तब आपको ब्लू स्टैक भी पूरे तरीके से बंद कर देना है, पूरे तरीके से बंद कर देना है। फिर एक बार वापस PC रिस्टार्ट करके आपको ब्लू स्टैक ऑन करना है, ठीक है। ब्लू स्टैक ऑन करने के बाद आपको GFX टूल्स में जाना है। GFX टूल्स में जाने के बाद आपको BGMI सेलेक्ट करना है। आपके कुछ एड्स आएंगे, एड्स को आप रन करने देना है, इसको कंप्लीट होने देना है। फिर उसके बाद एक कट का साइन आएगा, इसको कट कर देना है। एंड यहाँ पर जो सेटिंग्स है, जैसे रेजोल्यूशन मेरा 1920 है क्योंकि मेरा मॉनिटर का रेजोल्यूशन 1920x1080 है, ठीक है। फिर ग्राफिक कार्ड मैंने स्मूथ में रखा हुआ है और FPS मैंने 90 FPS इफ सपोर्टेड में रखा हुआ है। एंटी एनालिटिक्स डिसेबल किया हुआ है, सिस्टम कलरफुल रखा हुआ है, रेंडर क्वालिटी लो किया हुआ है। ये सब आप सेटिंग देख सकते हो, सेटिंग क्या किया हुआ है। लेकिन हाँ, बस मैंने इसके अंदर है ना कुछ कुछ चीज़ें है ना की हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर GPU ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वो मैंने एनेबल किया हुआ है क्योंकि GPU मेरे पास 3070 है, 3070 Ti। अगर आपके पास GPU ज़्यादा अच्छा नहीं है तो इसको डिसेबल करके रखिएगा, लेकिन आपके पास अगर GPU अच्छा है तो इसे एनेबल कर दीजिए, फिर आने आपका ज़्यादा स्मूथ चलेगा। मैं ये गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि मैंने आज ही ये सेटिंग अप्लाई की थी और आज ही मैंने स्ट्रीम की थी इससे। तो जितना लैग पहले होता था अब बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है ये GPU एनेबल करके, क्योंकि मेरे पास 3070 Ti है। आप अपने GPU के अकॉर्डिंग है ना वो सारी सेटिंग्स करना। फिर आप है ना यहाँ पर सेव कंट्रोल्स में जाके एनेबल करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद एक और ऐड आएगा, इस ऐड को कंप्लीट होने के बाद इसको कट कर देना, कट हो जाएगा अभी, 1 2 3, ओके कट हो गया। कट होने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट करके एक स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन पे आपको क्या करना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। आई अंडरस्टैंड पे जाके क्लिक करके स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में आपको क्या करना है, क्लियर कैच करना है। क्लियर कैच कर दिया,
लेयर कैच करने के बाद आपको परमिशन में जाना है, परमिशन में जाके स्टोरेज है इस पे डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर वापस पीछे जाना है, वापस पीछे जाना है, पीछे जाने के बाद यहाँ पर रन गेम बोलेगा तो इसको रन कर देना है। रन गेम करने से पहले आपको क्या करना है, आपको ब्लूस्टेक की सेटिंग्स में जाना है। ब्लूस्टेक की सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में जो जो मैंने सेटिंग्स कर रखी वो सेटिंग्स आपको करनी है। सीपीयू कोर 4, मेमोरी 4, परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस, एफपीएस रेट 240। जब यहाँ पे एनेबल हाई एफपीएस रेट करेंगे तो यहाँ पर 240 तक का ऑप्शन देगा, इसको कर दीजिएगा 240। डिस्प्ले एफपीएस ड्यूरिंग गेम प्ले, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप है ना अपना एफपीएस देखना चाहते हैं जब आप गेम खेलते वक्त या फिर नहीं देखना चाहते, इसको आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डिस्प्ले मैंने लैंडस्केप 1920x1080 रखा हुआ है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा करना नहीं चाहता, फिर अंदर लैग और ज़्यादा होता है। पिक्सल डेंसिटी मैंने है ना 320 dpi रखा हुआ है। फिर ग्राफिक्स में जाकर मैंने परफॉर्मेंस ओपन जीएल पे रखा हुआ है। इंटरफेस रेंडर ऑटो, सॉफ्टवेयर डिकोडिंग GPU इन यूज ऑन किया हुआ है। गेम सेटिंग्स के अंदर मैंने ऑल ऐप के अंदर बैकग्राउंड को इसको ऑन किया हुआ है। डिवाइस में मैंने अपने जो हेडफोन और माइक्रोफोन है उनको डाला हुआ है। गेम पैड को मैंने छुआ नहीं है, परफॉर्मेंस को मैंने छुआ नहीं है। फोन के अंदर आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा सिलेक्ट करना है। नेटवर्क के अंदर आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो आप सिलेक्ट कर सकते हो वो यूज कर सकते हो। शॉर्टकट में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, यूजर के अंदर मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, एडवांटेज के अंदर मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, अबाउट के अंदर तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। ये सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स आप कर लोगे तो आपका जो गेम है बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है, फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड गाइस आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जो आती रहेगी। एंड अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है ब्लूस्टेक के ऊपर या फिर है ना कोई BGMI के ऊपर आ रही है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ों को आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका सोल्यूशन वीडियो भी मैं है ना अगले दिन या परसों तक निकाल दूंगा अगर आप मेरे को बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग। एंड तब तक टेक केयर, बाय बाय।